हेलो दोस्तों, चलिए तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सूची। अभी 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो किसे कौन पद दिया गया ये सब देखते हैं। तो ये पोर्टफोलियो मतलब उनके मंत्रालय हुए, यहाँ मंत्री का नाम और चुनाव क्षेत्र उनके। तो कैबिनेट मंत्री की बात करें हम लोग सबसे पहले, तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वाराणसी से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े इस बार। पता है पिछली बार दो जगह से लड़े थे, लेकिन इस बार अकेले वाराणसी से ही चुनाव लड़े और यहाँ से जीते भी हैं वो अच्छे। नरेंद्र मोदी के मंत्रालयों की बात करें तो इनके अंडर में प्रधानमंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीति मुद्दे और सभी विभागों को किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो। मतलब जो अन्य विभाग हैं जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए वो भी नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आते हैं। गृह मंत्रालय की बात करें तो अमित शाह को मिला है, ये गांधीनगर गुजरात से चुनाव लड़े हैं। फिर हैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक लखनऊ उत्तर प्रदेश है इनका चुनाव क्षेत्र। गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में और गांधीनगर गुजरात इनका संसदीय क्षेत्र। और नरेंद्र मोदी का है वाराणसी, राजनाथ सिंह का है लखनऊ उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र। अब विदेश मंत्री की बात करें हम लोग तो यह सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर याद रखिए, ये अभी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा में भेजा जाएगा। आपको यहाँ कुछ बता दें कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी या राज्यसभा या लोकसभा से चुना जाना चाहिए। तो 6 महीने के लिए कोई भी बन सकता है। तो विदेश मंत्री का पद मिला है एस जयशंकर को। फिर वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के मंत्री तो ये है निर्मला सीतारमण। इनको बता दें कि कर्नाटक से राज्यसभा में है, ये लोकसभा से नहीं चुनेंगे, कर्नाटक राज्यसभा से। फिर बात करते हैं अपन लोग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री तो ये है नितिन जयराम गडकरी। इनका संसदीय क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। तो याद रखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है नितिन गडकरी। अब बात करते हैं रसायन और उर्वरक मंत्री तो याद रखिए डीवी सदानंद गौड़ा, ये है मंत्री और इनका संसदीय क्षेत्र है बेंगलुरु उत्तर कर्नाटक। फिर है अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। इनका संसदीय क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। तो याद रखिए डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी ये हैं और पृथ्वी विज्ञान भी यही है। अब बात करते हैं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तो ये है रामविलास पासवान। अगली बात करते हैं कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तो ये है रविशंकर प्रसाद और इनका संसदीय क्षेत्र है पटना साहिब बिहार। फिर है अपने अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। फिर है अपने संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री तो ये हैं प्रहलाद जोशी, ये धारवाड़ कर्नाटक से हैं, इनका संसदीय क्षेत्र। फिर है अपने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री तो ये महेंद्र नाथ पांडे, चंद्रौली उत्तर प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय तो यह अरविंद सावंत
और इनका जो संसदीय क्षेत्र है मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र। अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो ये हरसिमरत कौर बादल, इनका वो संसदीय क्षेत्र है बठिंडा पंजाब, याद रखिए इनका संसदीय क्षेत्र। फिर है अपने किसान और कृषि किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, तो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनका संसदीय क्षेत्र है मुरैना मध्य प्रदेश। फिर है अपने जनजातीय मामलों का मंत्रालय, तो इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनका संसदीय क्षेत्र है खूंटी झारखंड। फिर है अपने पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, तो ये गिरिराज सिंह, इनका चुनाव क्षेत्र है या संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। अगले हमारे महिला बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री, तो याद रखिए स्मृति जुबिन ईरानी, इनका चुनाव संसदीय क्षेत्र है अमेठी उत्तर प्रदेश, इन्होंने राहुल गांधी को हराया है। ठीक है, अगले हैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, तो यह रमेश पोखरियाल निशंक, इनका संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। फिर है अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो याद रखिए यह थावर चंद गहलोत, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। फिर है अपने पर्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री, तो ये प्रकाश जावड़ेकर, ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। अगली बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री, तो याद रखिए हैं धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। फिर है अपना रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तो याद रखिए पीयूष गोयल साहब हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र सॉरी महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र शेखावत हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। तो याद रखिए ये है मंत्रालय, उनके मंत्री और उनका संसदीय क्षेत्र। ठीक है, याद रख लीजिए। अब हम सितंबर 2019 के कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। VSF के नए नए महानिदेशक बने हैं विवेक कुमार जोहरी, वो थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नारवेने। अगला एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील अरोड़ा। पांच भारतीय राज्यों में नियुक्त नए राज्यपालों की बात करें तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने विद्यासागर राव की जगह ली है। किनके लिए? विद्यासागर राव की। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। केरल के नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पी सत्यशिवम की जगह ली है। फिर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हैं, उन्होंने कलराज मिश्र की जगह ली है। राजस्थान के नए राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने कल्याण सिंह की जगह ली। और तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिली साई सौंदरा राजन, ये तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ESL नरसिम्हा की जगह ली है। अब अगस्त 2019 की बात करते हैं नियुक्तियों की, तो नए गृह सचिव बने हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने राजीव गोबा की जगह ली है। तो याद रखिए नए नए गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। नए रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, उन्होंने संजय मित्रा की जगह ली है।
नए कैबिनेट सचिव हैं राजीव गोबा, उन्होंने पीके सिंघा की जगह ली है। अगले कोल इंडिया के नए अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, वे वर्तमान अध्यक्ष ए के झा की जगह लेंगे जो जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त होंगे। फिर अपने पी के सिंघा को प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया। अगले भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर विंग कमांडर शैलजा धामी है। तो याद रखिए, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर विंग कमांडर शैलजा धामी है। अगले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं प्रमोद चंद मोदी। अगले आईएनएस ए की पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंदीमा साहे, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला है वोडाफोन आइडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं रविंदर टक्कर। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक हर्षद पांडुरंग ठाकुर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले में हमारे पीटी उषा को एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह दूसरी बार है कि पीटी उषा को एशियाई एथलेटिक्स संघ के एथलीट आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया। अगला है पीटीएम के नए अध्यक्ष बने हैं मधुर देवड़ा। अगले हमारे माइंडी के नए एमडी और सीईओ बने हैं देवाशीष चटर्जी। माइंड टी, तो याद रखिए, जिन्हें देवाशीष चटर्जी, हर्षद पांडुरंग ठाकुर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी हैं राज्य के स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के निदेशक हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाला है। अगला हमारा गिरिराज प्रसाद गुप्ता को नए सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। गिरिराज प्रसाद गुप्ता भारतीय सिविल सेवा सेवा लेखा सेवा आईसीएएस अधिकारी लेखा महानिदेशक सीजीए के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने वित्त मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में एंथनी लियान ज्वाला का स्थान ग्रहण किया है। अगली हमारे आईएफएसजी ने न्यायमूर्ति के ए के सीकरी के को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग ऑनलाइन फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग सेक्टर के लिए देश के 100 नियामक उद्योग निकाय ने जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी को इसके लोकपाल और नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी की ऑनलाइन फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफार्मों के उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी होगी। अगले हैं राकेश अस्थाना को एनसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना को महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वह वर्तमान में नागर विमानन सुरक्षा महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। नए DPIIT सचिव हैं गुरु प्रसाद महापात्रा, ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। कपड़ा मंत्रालय के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के आईएएस के अधिकारी रवि कपूर, कौन रवि कपूर, ने नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। हम बात करते हैं जो जुलाई 2019 में जो नियुक्तियां हमने देखते हैं, नए वित्त सचिव बने हैं अपने वित्त सचिव में अजीत राजीव कुमार, उन्होंने सुभाष चंद गर्ग की जगह ली है। नए गृह सचिव हैं अपने अजय कुमार भल्ला। नए पीएसी अध्यक्ष लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
तो याद रखें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। अगला है नए बीएसएफ महानिदेशक हैं बीके जोहरी। अगला प्राकलन समिति के नए अध्यक्ष हैं गिरीश रबावत बापत। अगला भारतीय सेना के नए सैन्य संचालन महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। अगला नए MTNL प्रमुख हैं सुनील कुमार। अगला विकास स्वरूप को प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं चंद्रकांत कावलेकर। अगले किरण मोरे को USA क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया। किरण मोरे हैं ये भारत के पूर्व क्रिकेटर कीपर बल्लेबाज हैं। अगला विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव बने हैं अजय भादु। सेना के अगले उप प्रमुख हैं MM नरवणे। हाँ अगले हैं भारत के नए टेबल टेनिस कोच हैं देजन पापिक कनाडा के। अगले हैं बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के नए निदेशक हैं बी हरदीश कुमार। अगला NS विश्वनाथन को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है ने। अगला है माइक्रो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए अध्यक्ष मनोज कुमार नंबियार। अगला है BSNL के नए CMD हैं PK पुरवार। अगला है हमारे लिंक्डइन ने आशुतोष गुप्ता को भारत के लिए कंट्री मैनेजर चुना है। जम्मू कश्मीर बैंक के निदेशक मंडल के अतिरिक्त निदेशक हैं AK मिश्रा। भारतीय तट रक्षक बल के नए महानिदेशक हैं के नटराजन। वह भारत के तटीय सुरक्षा बल के 23वें प्रमुख बने हैं। अगले भेल के नए CMD हैं नलिन सिंघल। वह अतुल शोभिती की जगह लेंगे। अब बात करते हैं नए राज्यपालों की नियुक्ति की। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं जगदीश धनखड़। याद रखिए पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं जगदीश धनखड़। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं कलराज मिश्र। गुजरात के नए राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं अनुसुईया उइके। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं फागू चौहान। नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं RN रवि। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिए मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल। अब बात करते हैं जून 2019 की नियुक्तियों के बारे में। मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अभी अमिताभ कांत को नए को नीति आयोग के CEO के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के CEO के रूप में अभी अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2019 से 30 जून 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। रो के नए प्रमुख हैं सामंत गोयल। तो याद रखिए ये हैं रो के नए प्रमुख हैं सामंत गोयल। इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए प्रमुख हैं अरविंद कुमार। राके हैं जी सामंत गोयल और इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए प्रमुख हैं अरविंद कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। अगला FIEO के नए अध्यक्ष हैं एक्सपोर्ट्स बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने शरद कुमार सराफ को अपना नया अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंधक हैं शारदा कुमार होठा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार सेगिया ने अरुणाचल प्रदेश में लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। अगले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। आपको बता दें इनका संसदीय क्षेत्र राजस्थान के कोटा से। अगला RBI के नए कार्यकारी निदेशक हैं रवि
एन मिश्रा दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल। जम्मू कश्मीर बैंक के नए अंतरिम प्रमुख हैं आर के चिब्बर। अगला नवीन कार्यकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त हैं शरद कुमार। अगला भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नए प्रमुख हैं मृत्युंजय महापात्र, विख्यात वैज्ञानिक एवं चक्रवात चेतावनी विभाग के विशेषज्ञ। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं नृपेंद्र मिश्रा। एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए निदेशक बने सचिन बंसल। नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने अजीत डोभाल। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता बने सतीश चंद वर्मा। अगले हैं हमारी मई 2019 के, मई 2019 की नियुक्तियों को देखें तो भारत के नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, दुनिया दूसरा कार्यकाल इनका, भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नए नौसेना प्रमुख बने करमबीर सिंह। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी। आईटीसी के नए अध्यक्ष बने संजीव पुरी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के बने हैं नितिन चौबे। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं दिनेश पनगते। आरबीआई ने एस बैंक बोर्ड में आर गांधी की नियुक्ति की है। वॉलमार्ट के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं सीटीओ सुरेश कुमार। भारत की राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कोच बने हैं डेगन मेहलोविक सर्बिया के। अगला बीएसई द्वारा बोर्ड में नियुक्त पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बने हैं जयश्री प्यास। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिलीप कुमार को लोक का दिलीप कुमार को लोकपाल कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने घोषणा की कि उसने सेलिब्रिटी युगल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अप्रैल 2019 की बात करते हैं नियुक्तियों की, तो जामिया मिलिया इस्लामिक की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर नजमा अख्तर। रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। नवगठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। तो याद रखिए अब 25, पहले 24 हाई कोर्ट थे लेकिन अब 25 हो गए आंध्र प्रदेश में न्याय होने के कारण। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं कौन, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं कर्णम शेखर। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी भारत के नए अध्यक्ष बने हैं विक्रमजीत सिंह साहनी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक बने हैं विपिन आनंद। ड्यूश बैंक इंडिया के सीईओ बने हैं कौशिक सफारिया, उन्होंने रवनीत गिल की जगह ली है। और ड्यूस बैंक के एजी एवं एक जर्मन बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। अगले ट्विटर इंडिया के एमडी बने हैं मनीष महेश्वरी। गूगल इंडिया के नए प्रमुख बने हैं मयूरी कांगो। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति प्रदीप नंदा जो नंद्रा जो। इमामी लिमिटेड के पावर ब्रांड नवरत्न ने बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं शिवदास मीणा। अगला है उदय कुमार वर्मा ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। अगली बात करते हैं मार्च 2019 की नियुक्तियों के बारे में। अगला आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के नए एमडी और सीईओ बने विजय चंडो। अगला भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह, उन्होंने एडमिरल सुनील लांबा की जगह ली है। भारत के पहले लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी बने हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। तो याद रखिए पूछा जा सकता है कि पहले लोकपाल कौन थे, तो हमारे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं।
तो याद रखिए 30वां, भारत के पहले लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस, पीसी बोस। गोवा के नए मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत, गोवा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए अध्यक्ष हैं एम आर कुमार। एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। हवा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं अजीत कुमार मोहंती। नए वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने अजय नारायण झा की जगह ली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। अगला 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं अजय नारायण झा, उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली। बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हसमुख अधिया, पूर्व वित्त सचिव हैं। मिजोरम के नए लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष हैं सी लाल सावता। अंगलाय कुम्मनम राजशेखरन ने मिजोरम के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं भारतीय निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को महाराष्ट्र के 12वें चुनाव राजदूतों 12 चुनाव राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया है। वह पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है। अगला है फोन पे ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखिए फोन पे ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं हसमुख अधिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश में क्रिकेट व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विवादों पर के समाधान हेतु मध्यस्थ के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हैं PS नरसिम्हा। अगला नरेश गोयल ने जेट एयरवेज बोर्ड से इस्तीफा दिया। अब बात करते हैं हम लोग फरवरी 2019 की नियुक्तियों के बारे में। प्रथम BCCI लोकपाल हैं तो न्यायमूर्ति DK जैन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। IDBI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत भार्गव। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद मोदी। नए निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, ठीक है सुनील अरोड़ा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ला। नए नागरिक उड्डयन सचिव हैं प्रदीप सिंह खरोला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद मोदी। नए चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ला। नए नागरिक उड्डयन सचिव हैं प्रदीप सिंह खरोला। जनवरी 2019 के देखते हैं नियुक्तियां। तो NCC के नए महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। फेडरल बैंक के नए अध्यक्ष हैं दिलीप सदरंगानी। IDFC फर्स्ट बैंक के नए CEO और MD हैं वी वैद्यनाथन। यस बैंक के नए MD और CEO हैं रवनीत गिल। IDFC फर्स्ट बैंक के नए MD CEO हैं वी वैद्यनाथन, ये देख लिया था पहले भी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए महानिदेशक हैं प्रभात सिंह। नए मुख्य कोच मुक्केबाजी महिला टीम कोच है मोहम्मद अली कमल। सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक हैं राजेश चंद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सौरभ कुमार। तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति TVN राधा कृष्णन। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO बने हैं अमिताभ चौधरी। नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुधीर भार्गव। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं संजय जैन और KM नटराजन। नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं BK यादव, उन्होंने अश्विनी लोहानी का स्थान लिया है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति AK सीकरी। अब अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं हम लोग 2019 की। तो सेप्टम आय की बात करें तो यूक्रेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ओलेक्सी होंजरूक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी
अमेरिकी सीरेन मैथ्यू को कैलिफोर्निया के दक्षिण जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त किया। अगस्त 2019 की नियुक्तियां देखते हैं अंतरराष्ट्रीय। संयुक्त अरब अमीरात ने में भारत के नए राजदूत बने हैं पवन कुमार कपूर। अगला नए सूडान के नए प्रधानमंत्री हैं बने हैं अब्दुल्ला हमदोक। नाउरू के नए राष्ट्रपति ने लियोनेल आइन जिमिया। नाउरू की राजधानी है यारेन। नाउरू की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला ICTP के नए निदेशक बने हैं भारत के सिद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक आतिश दापोलकर को ट्राइस्टे इटली में अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए हैं आतिश दापोलकर, वह फर्नाडो क्यूबेदो की जगह लेंगे। अगला है हमारा HSBC के नए CEO हैं नोडल क्वीन को HSBC की पैसिफिक वाणिज्यिक बैंकिंग इकाई के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे गोटू राम मीणा को कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जुलाई 2019 की बात करें अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की, तो जॉनसन कैबिनेट में बैटन के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। जॉनसन और बैटन की पहली भारतीय मूल के गृह सचिव बन गई। नए अमेरिकी रक्षा सचिव है मार्क जीरो। अगला अंशुला कांत को विश्व बैंक के समूह के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। और वह वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक है। वह बैंक की पहली महिला CFO होंगी। अगला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस AK सीकरी को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया। अगला हमारा इजराइल में नए भारत के राजदूत बने संजीव कुमार श्रृंगला। पनामा में भारत के अगले राजदूत बने हैं उपेंद्र सिंह रावत। अगला हमारा ICC समिति के नए अध्यक्ष बने हैं एहसान मड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगले ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हमारे किरिया कोस में सो ताकिस। अगले यूरोप सेंट्रल बैंक की नई प्रमुख हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। अगला अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को IMF का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को अपना अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह ली जिन्हें यूरोपीय सेंट्रल बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अगले हमारे यूरोपियन आयोग के नई अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। जर्मन राजनेता हैं। वह जीन क्लाउड जुंकर की जगह लेंगी। पर यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। बात करते हैं हम लोग जून 2019 की नियुक्तियों के बारे में। शेफाली जुनेजा को ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। वरिष्ठ नौकर शाह शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन के परिषद में भारत की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी आलोक शेखर की जगह लेंगे। वर्तमान में शेफाली जुनेजा नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। अगला है हमारा वार्नर ब्रॉस की पहली महिला CEO। AT&T इसकी शाखा वार्नर मीडिया ने एन सरनोप को वार्नर ब्रॉस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एन सरनोप वार्नर ब्रॉस की पहली महिला CEO बन गई। वह केविन सुजीहारा की जगह लेंगी। अगली बात करते हैं हम लोग क्यू डोंगयू FAO के पहले चीनी प्रमुख बने हैं। क्यू डोंगयू संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख बनने वाले पहले चीनी नागरिक बने। वह ब्राजील के जोस गेजियानो दा सेल्वा की जगह लेंगे। WHO के बाह्य लेखा परीक्षक CAG राजीव महेशी को WHO का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं प्यूर चान ओचा।
पाकिस्तान के नए नए आईएसआई प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। अगला, संयुक्त राष्ट्र की उप कार्यकारी निदेशक बनी है अनीता भाटिया। भारतीय मूल की अनीता भाटिया को संसाधन प्रबंधन, स्थिरता और भागीदार के लिए संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अब कहते हैं मई 2019 की बात नियुक्तियों की, तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इनका दूसरा कार्यकाल है। अगला, यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने व्लादिमीर जेलेंस्की संयुक्त राज्य अमेरिका के नए उप महान्यायवादी बने जेफरी रोसेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे। इरिटिया में भारत के अगले राजदूत बने सुभाष चंद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सैलेस तेनेकर का को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। अगला है, मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष कुमार संगकारा हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है कुमार संगकारा। अगला है, भारत के जगदीश पावडिया को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 5 साल के कार्यकाल के लिए सर्वाधिक वोटों के साथ पुनः चुना गया, जबकि चीन के उम्मीदवार हाओ वेई वेई हाई हार गए। तो याद रखिए, ये हैं जगजीत पावडिया। बात करते हैं अप्रैल 2019 की, तो सेशल्स में भारत के राजदूत बने हैं जनरल सेवानिवृत्त हैं दलवीर सिंह सुहाग। तो याद रखिए, सेशल्स में भारत के राजदूत बने हैं दलवीर सिंह सुहाग। जनरल सुहाग जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख थे। यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद इस्ताह। ये किस तरह के नाम रखते हैं अपने भारत के, वैसे बढ़िया नाम रहते हैं क्योंकि लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सरल से रहते हैं। लेकिन इतना है कि वहां के लोगों को ये नाम बहुत सरल लगते होंगे, हमारे यहाँ हम लोगों को ये लग रहा है। उन्होंने रामी मोहम्मद इस्ताह हैं, उन्होंने रामी हमदल्ला की जगह ली। अगला, हैती के नए प्रधानमंत्री हैं जीन मिशेल लेपिन। अगले, इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, 5वें कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए, तो याद रखिए। अगले, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति हैं अब्देल कादिर बेंसला। अगला, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं जिन्होंने जिम योंग किम की जगह ली है। अगले, हमारे शिकागो ने पहली बार अफ्रीकी अमेरिकी महिला लोरी लाइटफुट को अपना मेयर चुनकर इतिहास रचा। AIIFF के अध्यक्ष विपुल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। अगला, विश्व शासी निकाय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कर्नल विभू कल्याण नायक। अगला, अफ्रीका में भारत के राजदूत हैं जयदीप सरकार। लेबनान में भारत के राजदूत हैं सोहेल एजाज खान। अब मार्च 2019 की बात करते हैं नियुक्तियों के, तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जुजाना केपुटोवा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी बने हैं मनु साहिनी। अगला, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने सत्ता में लगभग 30 वर्ष तक रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। अगला, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद सतेह। अगला, उज्बेकिस्तान के गणराज्य में भारत के राजदूत हैं संतोष झा। अगला, WHO में मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन
विश्व स्वास्थ्य संगठन में उप महानिदेशक को WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया। अगला है वियतनाम में भारत के राजदूत हैं प्रणव कुमार वर्मा। अगला है सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं डॉक्टर ओसाफ सईद। अगला है UNDP ने पद्म लक्ष्मी को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। पद्म लक्ष्मी एक भारतीय अमेरिकी टेलीविजन कलाकार और खाद्य विशेषज्ञ हैं। अब बात करते हैं फरवरी 2019 की नियुक्तियां। तो अफ्रीकी संघ के नए अध्यक्ष बने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अगले कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं संजीव रंजन। भारत में नेपाल के नए राजदूत हैं नीलांबर आचार्य। भारत में नेपाल के नए राजदूत हैं नीलांबर आचार्य। अगला है अर्जेंटीना गणराज्य में भारत के नए राजदूत हैं दिनेश भाटिया। भूटान में भारत के नए राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। अब बात करते हैं जनवरी 2019 की नियुक्ति। तो पाकिस्तान में पहले सबसे पहली हिंदू महिला सिविल जज हैं सुमन कुमारी। पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। अगला WHO को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक बने पूनम खेतपाल सिंह, इन्हें पुनः नियुक्त किया गया पहले से थी। नए मलेशियाई राजा हैं सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शान। ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सू त्रिसिंग चंग। अगले वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो। अगला ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं जायर वोल्स नारो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO हैं मनु साहिनी। चलिए, तो ये थी हमारी नियुक्तियां 2019 में जो हुई हैं महत्वपूर्ण।